कौन कौन चाहते हो कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीते और ऑस्ट्रेलिया से भी इंडिया जीते? अगर आप लोग चाहते हो कि इंडिया जीते, जो जो चाहते हो वो लोग लाइक जरूर करना, और जो नहीं चाहते हो वो लाइक मत करना। जो चाहते हो कि इंडिया जीते वो लाइक जरूर करना। देखते हैं कितना लाइक होता है, कितने लोग चाहते हो कि इंडिया जीतेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल के मैच के बारे में। आज के मैच के पहले थोड़ा कल के मैच के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मैंने क्लियरली बोला था कि चार ही प्लेयर के बारे में बताया था कि यही चारों में से आप कैप्टन बनाना। सबसे पहले बोला था बटलर, आज के लिए एक नंबर में जो सबसे पहला जो कैप्टन है, सबसे बेस्ट कैप्टन बटलर। दो नंबर पे अदिल राशिद बोला था। तीन नंबर पे मैं मार्कवुड को बोला था कि अगर मार्कवुड नहीं खेला तो जॉर्डन खेलेगा, जॉर्डन को बना देना। उसके बाद जो चौथा नंबर था वो था रिश टॉपले। इसका कैप्टन, बढ़िया कैप्टन कौन रहेगा? सबसे पहला नाम है बटलर, एक नंबर पे बटलर है। दो नंबर पे आज के लिए अदिल राशिद है, दो नंबर पे। तीन नंबर पे रिश टॉपले है और चार नंबर पे मार्कवुड है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट नंबर, एक नंबर, और दो नंबर पे अदिल राशिद है, तीन नंबर पे है रिश टॉपले, चार नंबर पे है मार्कवुड। तो यही सबसे बेस्ट कैप्टन है जो आज के मैच के लिए बता दे रहा हूं, जो कि आपको ग्रैंड लीग आज जिता सकता है। ठीक है, और मैंने क्लियरली बोला था कि आज के मैच में रिश टॉपले और सैम करन, ये दोनों का सिलेक्शन बहुत कम है, ये दोनों आज के मैच में पक्का विकेट लेके देगा। उसके बाद कॉरी एंडरसन के बारे में मैंने बोला था, भाई कॉरी एंडरसन ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा आज के मैच में, ट्रम्प कार्ड प्लेयर। और सौरभ के बारे में मैंने क्लियरली बोला था कि आज के मैच में सौरभ फ्लॉप रहेगा, जबकि 70-80% सिलेक्शन था सौरभ। और मैंने हरमीत सिंह के बारे में क्लियरली बोला था आज आपको बैटिंग से पॉइंट देकर जाएगा। और आप जाके देखो जो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को टीम दिया था ना, सिर्फ लोग कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करके लोग मेगा कॉन्टेस्ट जीता है। मेरा जो टीम था ना वो ड्रीम टीम था, 10 प्लेयर ड्रीम टीम में था, 10 प्लेयर ड्रीम टीम में था। सोच सकते हो, जो मैं स्मॉल लीग का जो टीम दिया था ना, 10 प्लेयर ड्रीम टीम था, और सब लोग अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया है, सब लोगों ने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया कल स्मॉल लीग से, बहुत लोगों ने। शुरू में तो हम लोग मिनी ग्रैंड लीग में, मेगा ग्रैंड लीग में टॉप पे चल रहे थे। भाई साहब मजा आ गया कल सब लोग वन साइड जीता है, जाके टेलीग्राम विजिट करके देख लो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज इंडिया का मैच है। इंडिया के मैच में मैंने क्लियरली बोला था विराट कोहली और रोहित शर्मा आज आपको 50 से प्लस पॉइंट देते हुए दिखाई देगा। और दिया था या नहीं दिया था बताओ? दिया था ना। ऐसे ट्रम्प कार्ड प्लेयर के बारे में कौन बताएगा? और कुलदीप यादव के बारे में क्लियरली बोला था, जो पिछला मैच हुआ था बांग्लादेश के साथ, मैंने क्लियरली बोला था कि भाई बुमराह और अजदीप सिंह से ज्यादा विकेट कुलदीप यादव लेके देगा। कुलदीप यादव की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, खेला नहीं है बांग्लादेश के अगेंस्ट में, लैपटॉप चैनल में बॉलर है, और क्योंकि यहाँ पे स्पिनर को हेल्प मिलता है बहुत ज्यादा तगड़ा वाला। कुलदीप यादव को आज मैं बता रहा हूँ, 7वां ओवर के बाद इसको जो विकेट मिलना स्टार्ट होगा ना, धनाधन विकेट लेगा। आज मुझे लगा कुलदीप यादव 3 विकेट ले सकता है, मैं इसको कैप्टन बनाने वाला हूँ आज। मुझे लग रहा है बुमराह से साथ ज़्यादा इफेक्टिव आज कुलदीप यादव दिखाई दे, मुझे लग रहा है बुमराह से ज़्यादा इफेक्टिव कुलदीप यादव दिखाई दे सकता है। अजदीप सिंह की बात करते हैं, पिछले मैच में डेथ में विकेट लिया था और 3 विकेट लिया था। अजदीप सिंह लेफ्ट आर्म एंड मीडियम फास्ट बॉलर है, ये डेथ में बॉलिंग फेंकता है, तो अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रम्प का, ये भी 2 विकेट लेके देगा। मतलब ये बॉलर तो भाई तीनों के तीनों घातक है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैप्टन, रिस्की कैप्टन आज कुलदीप यादव को जरूर बनाना और बुमराह को जरूर बनाना। बुमराह और अजदीप सिंह से ज्यादा विकेट कुलदीप यादव लेके देगा, और कुलदीप यादव ही आज के लिए सबसे बेस्ट कैप्टन है। तो आज भी इंडिया का मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो सबसे पहले जो लोग चाहते हो कि इंडिया जीते एक लाइक आप लोग कर देना। बाकी जो फाइनल टीम देता हूँ वो मैं देता हूँ टेलीग्राम पे, फाइनल टीम टेलीग्राम पे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना। क्योंकि यहाँ पे आपको टॉस अपडेट, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, फाइनल स्मॉल लीग का टीम, टिप्स ट्रिक्स सब कुछ मैं टेलीग्राम पे फ्री देता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना, फर्स्ट कमेंट में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर जाना, स्कैन करके, और आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। सर्च क्या करना है आपको बताता हूँ, आपको सर्च करना है @kumar508tfc, बिना स्पेस डाले हुए ये सर्च करना है। जब ये लिखोगे ना, आपको 4 लाख के आसपास टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, उसमें जाके जुड़ जाना। 4 लाख के आसपास टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, उसमें जाके जुड़ जाना। तो भाई साहब फटाफट ज्वाइन हो जाओ। और इंडिया का मैच है तो 10 लोगों को विनर बना रहा हूँ, 10 लोग, और
अगर 30,000 से ज्यादा लाइक अगर हो जाता है आज के वीडियो में, 30,000 से ज्यादा, तो 15 लोगों को विनर बना दूंगा, ठीक है, वरना 10 लोग तो विनर बनेगा ही। स्मार्ट वॉच और बोट का एयर ड्रॉप मिलने वाला है 10 के 10 लोगों को, ठीक है। तो जितना हो सके उतने पार्टिसिपेट करो और नीचे कॉमेंट जरूर करना, ठीक है, कॉमेंट नीचे जरूर करना, और जितना कॉमेंट कर सकते हो, एक एक बंदे 50 भी कॉमेंट कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, तो कॉमेंट करो और विनर बनो। और आप देख सकते हो ऐसे पिक्चर आपका भी दिखाई देगा, जैसे इस भाई लोगों का जो फोटो दिख रहा है ना, वैसे आपका भी पिक्चर दिखाई दे सकता है। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नीलेश पटेल है, गुजरात से। कुमार भाई की तरफ से मेरे को एक यूए गिफ्ट मिला है, बोट का एयरपोर्ट। थैंक्स कुमार भाई, आज मेरे को मिले हैं, कल शायद आप लोगों को भी मिल सकता है। आप लोग भी कुमार भाई की चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, आभार, जय हिंद। तो अगर आप जीतोगे ना, सिर्फ विनर नहीं बनोगे, आपका पिक्चर भी मेरे वीडियो में दिखाई देगा। और साथ में आपको बता दूं, कल का जो मैच का जो विनर था, जिसमें कि आज का मैच ऑस्ट्रेलिया मैच हार गई, कितने लोग हैप्पी हैं, तो यहाँ पे देखो 60 लोगों ने लाइक करा है। और व्यू जो है, जो मॉर्निंग वाला जो है ना भाई साहब, ये तो बिगेस्ट अपसेट हुआ था ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान से हार गया ऑस्ट्रेलिया। काश जो ओडीआई वर्ल्ड कप में भी अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता ना अफगानिस्तान से, वो मैक्सवेल एक टांग पे अगर वो छक्का चौका मार के 200 रन नहीं बनाता ना, तो भाई साहब इंडिया वर्ल्ड कप जीत लेता। ओडीआई भी इंडिया के पास आ जाता, T20I भी इस बार इंडिया के पास आएगा, और एशिया कप, मतलब लगातार एक रिकॉर्ड बन जाता। लेकिन वही बात है, ऑस्ट्रेलिया क्या ही बोले यार, शुरू में खराब खेलता है, लास्ट में फाइनल में क्या होता है, क्या खा के आता है समझ में नहीं आता। इसलिए आज चाहता हूँ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराए, ताकि ऑस्ट्रेलिया पहली फुर्सत में बाहर निकल जाए, पहली फुर्सत में, ठीक है। तो भाई साहब आज का मैच ऑस्ट्रेलिया हारा, तो इन देखो इसको मिला है स्मार्ट वॉच। बाकी देखो वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ दिन पहले ही हार्दिक पांड्या की बीबी उसे छोड़कर चली गई थी, पांड्या अपनी टीम इंडिया को, वही बात है गेंदबाजी से भाई उसको धूम मचा रहा है। इसको भाई साहब 9 इसको कॉम्बो हुआ है, रिप्लाई आया है, और 133 उसको लाइक मिला है, तो इसको भी विनर बना दिया। और बाकी देखो बहुत लोग विनर है, बहुत लोग विनर बना है। बाकी आपको बता दूं कि भाई साहब पार्टिसिपेट करो कमेंट में, और अगर आपका इसमें कमेंट है तो अपने कमेंट के नीचे अपना फ़ोन नंबर डाल देना, अपने कमेंट के नीचे अपना फ़ोन नंबर डाल देना, ताकि हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करे और आपके घर ये गिवे पहुँच जाए, ठीक है। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करे और आपके घर ये गिवे पहुँच जाए। तो प्लीज जितना लोग हो, सब लोग जितने का कमेंट है, सब लोग अपना फ़ोन नंबर डाल देना। और हाँ, कोरियर वाले को आपको कुछ नहीं देना है, क्योंकि कोरियर चार्ज भी हमारी तरफ से होता है, ठीक है। बाकी और लोग बहुत इंटरेस्टिंग वगैरह कमेंट है यार, मैं सबका क्या पढूं, और क्या है थोड़ा सा किंग कांग, तो चलो सबको ही लिखता है। और भाई आपके प्रेडिक्शन से बहुत हेल्प मिली, मस्त मज़ा आ गया। उसके बाद यहाँ क्या है, ये तो ये लोग तारीफ किया है, सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा ये दोनों कमेंट आया, आज का मैच ऑस्ट्रेलिया मैच हार गई, कितने लोग हैप्पी है, और ये वाला कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हार्दिक पांड्या की बीबी छोड़ के गया नहीं है भाई साहब, ऐसे मत बोलो, छोड़ के नहीं गया, ठीक है, अभी तो ऐसे, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या भी धूम मचा रहा है, ये तो सही बात है। अच्छा, हम लोग बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। ये मैच खेला जाएगा सेंट लुसिया में, ठीक है। और सेंट लुसिया का जो पिच है ना, वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, यहाँ पे रन बनते हैं ठीक ठाक, अच्छा खासा रन बनता है, 180 के आसपास तो रन बनाया था पिछले मैच में भी, तो यहाँ पे ठीक ठाक रन बनता है, नो डाउट अच्छा रन बनता है, तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है। लेकिन विकेट किसको मिलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे तो स्पिनर के खिलाफ थोड़ा सा क्या है, स्ट्रगल करता है, यहाँ पे मतलब बैलेंस पिच समझ लो इसको, बैलेंस न्यूट्रल पिच समझ लो, बैटिंग डिपार्टमेंट बॉलिंग डिपार्टमेंट सबके लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ पे 60% पेसर्स और 40% स्पिनर को हेल्प मिला है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, जैसे बैटिंग पिच है ना, तो मैं सिंपल से बात करता हूँ, ऐसे ग्राफ लो, ठीक है, ऐसे 50% बैटिंग डिपार्टमेंट को हेल्प मिलेगा, उसके बाद जो फास्ट बॉलर है उसका थोड़ा सा ग्राफ ऊपर रहेगा, मतलब लगभग 30% फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगा, फास्ट बॉलर, और यहाँ पे 20% जो मिलेगा, 20% वो स्पिनर को, तो स्पिनर को 20%, 30% फास्ट बॉलर और 50% बैटिंग डिपार्टमेंट, तो बैटिंग डिपार्टमेंट मतलब यहाँ पे ठीक ठाक करते हुए दिखाई देगा।
23 यहाँ पे देखोगे 23 मैचेस हुआ है जिसमें कि बैटिंग फर्स्ट करने वाला यहाँ पे 12 बार जीता, सेकंड बैटिंग करने वाला 10 बार जीता है। यहाँ का एवरेज जो रन है वो 166 है, एवरेज रन 166 है। उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं, यहाँ पे जो 190 प्लस भी रन बना है, मतलब 150 से 170 के बीच में या उससे प्लस भी रन बन सकता है। अगर हम चार मैच की रिकॉर्ड की बात करते हैं, 21 जून 2024 को मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, इसमें मैंने क्लियरली बोला था कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीतेगा, सबको लग रहा था इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था ये मैच साउथ अफ्रीका जीतेगा। और भाई साहब यहाँ पे 7 विकेट लिया था फास्ट बॉलर ने और स्पिनर को मिला था 4 विकेट, ठीक है। फिर वेस्टइंडीज वर्सेज इंग्लैंड का मैच हुआ था, जिसमें कि वेस्टइंडीज 180 रन का पारी खेला था, इंग्लैंड 181 रन बनाया था, ये मैच इंग्लैंड जीता था। सिर्फ 2 विकेट मिला था फास्ट बॉलर को, स्पिनर को यहाँ पे ज़्यादा विकेट मिला है 4 विकेट, टोटल यहाँ पे 6 विकेट गिरा था, ठीक है, सिर्फ 6 ही विकेट गिरा था। यहाँ पे देखोगे टोटल तो यहाँ पे 12 विकेट गिरा है। उसके बाद मैच हुआ था वेस्टइंडीज वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में, जिसमें कि 15 विकेट गिरा था टोटल और फास्ट बॉलर को यहाँ पे 9 विकेट मिला, 9 विकेट, और स्पिनर को मिला था 4 विकेट। और यहां पे स्पिनर को क्यों ज्यादा विकेट मिला है आपको बता दूं, यहां पे आप देखोगे स्पिनर को इसलिए ज्यादा विकेट मिला है क्योंकि वेस्टइंडीज जो है ना वो स्पिनर के खिलाफ विकेट फेंक देता है लेकिन पेसर्स के खिलाफ जल्दी विकेट फेंकता नहीं है। श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड का मैच हुआ था, यहां पे विकेट दबा के गिरा था 16 विकेट, ठीक है, 16 विकेट गिरा था, जिसमें कि श्रीलंका का 6 विकेट और नेदरलैंड का 10 विकेट गिरा था। यहां पे 10 विकेट लिया था फास्ट बॉलर ने, स्पिनर को मिला था 5 विकेट। तो कहीं ना कहीं देखोगे फास्ट बॉलर को अच्छा खासा विकेट मिला है। सिर्फ यहीं पे एक मैच 19 जून को हुआ था वेस्टइंडीज इंग्लैंड, इसी में सिर्फ स्पिनर का थोड़ा सा ज्यादा बोलबाला था, वरना हर मैच में देखोगे तो पेसर्स का थोड़ा सा डबल विकेट मिला है पेसर्स को। तो 28 विकेट पेसर्स और स्पिनर को मिला है 17 विकेट, मतलब फास्ट बॉलर को 28, स्पिनर को 17। फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग के मुताबिक सेकेंड इनिंग में ज्यादा विकेट गिरता है, नो डाउट। स्पिनर भी सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट लेता है, फास्ट बॉलर भी सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट लेता है, और कितने वो आपके सामने है देख लो, 12 विकेट कहां 16 विकेट। तो ग्रैंड लीग में अगर आप टीम बना रहे हो तो सेकंड इनिंग वाले प्लेयर को आप रख सकते हो। लास्ट हेड टू हेड मैच की बात करते हैं, लास्ट हेड टू हेड मैच जिसमें कि इंडिया की तरफ से देखोगे तो भाई साहब 160 रन का पारी खेला गया था, 8 विकेट गिरा था, और ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 154 रन, ठीक है, ये मैच इंडिया जीता था 6 रन से। अब परफॉर्मेंस कौन कौन किया था वो देखने वाली चीज है। ये खेला गया था 3 दिसंबर 2023 को मैच खेला गया था, जिसमें कि जायसवाल, श्रेयस अय्यर, जितेश शर्मा और अक्षर पटेल, जहां तक की अगर बात कर लेते हैं ये जो सारे बैट्समैन दिख रहा है इनमें से कोई नहीं खेल रहा है सिर्फ अक्षर पटेल को छोड़ के, ठीक है। और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया था, अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिया था, मुकेश कुमार ने 3 विकेट और रवि बिश्नोई ने 2 विकेट। यहाँ पे भी देखोगे तो अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल के अलावा कोई नहीं खेल रहा है, ठीक है। इधर से बात करते हैं ट्रेविस सेट, और यहाँ पे भी देखो सिर्फ ट्रेविस हेड और मैथ्यू वेट खेला है, और परफॉर्मेंस यहाँ पे भाई साहब ना ट्रेविस हेड ने ज़्यादा किया है ना मैथ्यू वेट ने ज़्यादा किया, बेन मैकडरमॉट ने यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिया है। और यहाँ पे देखो कि बेन ड्यूरेसिस ने 2 विकेट लिया था और बेन ड्रॉफ्ट ने 2 विकेट, मतलब इससे कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ देखोगे तो भाई साहब कोई है ही नहीं, ना इंडिया का जो भी प्लेयर खेल रहा है ना ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर खेल रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं दूसरा जो मैच है, दूसरा मैच में भी देखोगे तो एक भी प्लेयर खेल नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक भी प्लेयर खेल नहीं रहा है। इधर से भी देखोगे तो सिर्फ अक्षर पटेल के अलावा कोई खेला नहीं है, ये भी मैच इंडिया जीता था 20 रन से। और यहाँ पे देखोगे तो ट्रेविस हेड, मैकडरमॉट और मैथ्यू वेट, ट्रेविस हेड यहाँ पे भी अच्छा किया, मतलब इंडिया के अगेंस्ट में ट्रेविस हेड ठीक ठाक खेल लेता है। बेन ड्रॉफ्ट यहाँ पे भी कोई बॉलर ही नहीं खेल रहा है, लेकिन ये चीज याद रखो कि जीत रहा है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जीता है। अच्छा, इंडिया का मैच है तो भाई सो ऑफर्स भी आपके लिए दबा के रहेगा, वही ऑफर आया है फिर वाला इंडिया वाले मैच में, 1 रुपया में 1 टीम बना सकते हो, 5 रुपया में 5 टीम बना सकते हो। अब बोलोगे 5 रुपया में 5 टीम तो बनाना है तो फिर मुझे डाउनलोड क्यों करना पड़ेगा, डाउनलोड इसलिए डाउनलोड आपको करना है, नीचे आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में माई 11 सर्कल का लिंक दे दिया हूं, डाउनलोड कर लेना, फायदा उठा लेना, क्योंकि 5 रुपया में आप बनाओगे 5 टीम, और ये 5 रुपया में जो टीम बन रहा है ना ग्रैंड लीग का टीम बन रहा है, वरना आपको लग जाएगा 245 रुपया, क्योंकि एक टीम का जो प्राइस है वो 49 रुपीज है। अब आपको लग जाएगा 245 रुपया में 5 टीम बनाओगे। अब आप बताओ आप 245 रुपया देना चाहते हो या 5 रुपया देना चाहते हो? तो अगर आप 5 रुपया देना चाहते हो, जिससे फायदा क्या है, अगर आप फर्स्ट आते हो तो आप ग्रैंड लीग जीतोगे, अगर फर्स्ट नहीं भी आते हो, अगर विनिंग जोन में रहते हो तो 245 रुपया आपको मिलेगा, सिर्फ 5 रुपया लगा के 245 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब सोचो 245 रुपया में 5 टीम बनाने का मौका मिल रहा है,
कैसे आप खेल सकते हो, अपने फ्रेंड के मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हो, अपने पापा के या किसी के भी मोबाइल से आप डाउनलोड कर सकते हो, पापा छोड़ दो, फ्रेंड्स के मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि 18 साल से कम उम्र तो खेल ही नहीं सकते हो, तो खेल सकते हो पहली बार या दूसरे जीमेल से डाउनलोड कर सकते हो और खेल सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। बाकी देखो, फर्स्ट प्राइज जो है 1 करोड़ है, उसके बाद 1500 का इंस्टेंट बोनस मिलेगा अगर आप तुरंत डाउनलोड करोगे, और 20% एक्स्ट्रा डिपॉजिट ऑफर मिल रहा है, मतलब अगर आप पहली बार डिपॉजिट करते हो तो अगर जितना करोगे 200 पे 240, 1000 पे 1200, ये भी फायदा मिल रहा है। तो माई 11 सर्कल आपको फायदा ही फायदा दे रहा है, साथ में 5 रुपये में 5 टीम बनाने का मौका भी दे रहा है, तो आप भाई साहब इसका फायदा उठाओ और खेलो। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 आपके सामने है। मुझे लगा इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, सिर्फ अगर देखोगे ना तो कुछ कुछ प्लेयर की बात करते हैं, जैसे कि एक सिर्फ जडेजा के अलावा सब ने बेटर परफॉर्मेंस किया इस बार इस सीजन में, और पिछले मैच में जडेजा ने भी विकेट लिया था भाई साहब, ठीक है, पिछले मैच में। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के भी तरफ से मुझे लगा कोई प्लेयर शायद चेंज ना होगा, सेम प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेगा। लेफ्टी राइटी की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इंडिया के सामने 3-3 राइटी है, तो मुझे लग रहा है कि हेजलवुड नहीं, ऑस्टन अगर है ये मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक आज साबित आपको होते हुए दिखाई देगा। बाकी हो सकता है कि मिचेल स्टार्क आज खेल जाए, मिचेल स्टार्क खेल सकता है। आगे चलते हैं इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में बात हम लोग कर लिए, अब हम लोग स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। रोहित शर्मा क्या आज परफॉर्मेंस करेगा, मैंने पिछले मैच में क्लियरली बोला था रोहित शर्मा 40 के आसपास आपको पॉइंट देते हुए दिखाई देगा, आज के मैच में क्या रोहित शर्मा चलेगा तो आपको बता दूं, रोहित शर्मा पिछले मैच में एक अच्छा स्टार्ट करके गया था, आज के मैच में रोहित शर्मा मुझे फ्लॉप लग रहा है, ठीक है। अगर पहले बैटिंग करेगा तो मैं शायद अपने टीम में रखूं, सेकेंड इनिंग में ये फ्लॉप रहेगा, मैं लिख देता हूं, सेकेंड इनिंग में मुझे रोहित शर्मा फ्लॉप लग रहा है, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा आज के मैच में एवरेज परफॉर्मेंस करके देगा, मतलब ठीक ठाक बैटिंग करते हुए दिखाई देगा फर्स्ट इनिंग में, तो फर्स्ट इनिंग में मैं इसको अपनी टीम में रख रहा हूँ, अगर सेकेंड इनिंग बैटिंग किया तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं विराट कोहली, आज विराट कोहली के बल्ले से 50 निकलते हुए दिखाई देगा, आज ये 50 पक्का मारेगा, और मैं इसको अगर 20 टीम बनाऊंगा ना, कम से कम 15 टीमों में इसको मैं कैप्टन बनाने वाला हूँ आज विराट कोहली को, ये मुझे मेगा कॉन्टेस्ट जिताएगा। पिछले मैच में भी इसने 62 पॉइंट दिया था विराट कोहली, मैंने क्लियरली बोला था विराट कोहली आज के मैच में 50 से प्लस पॉइंट देके देगा और दिया भी था। 53 का एवरेज रिकॉर्ड है विराट कोहली का, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में शानदार खेलता है विराट कोहली, बहुत बढ़िया खेलता है, एक तो एक पाकिस्तान टीम और एक ऑस्ट्रेलिया, ये दो टीम के अगेंस्ट में विराट कोहली बहुत अच्छा बैटिंग करता है, भले इस वर्ल्ड कप में नहीं किया हो पाकिस्तान के अगेंस्ट में, लेकिन आपने देखा होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट में और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में ये अच्छा बैटिंग करता है, तो मुझे लग रहा है आज के मैच इंडिया जीतेगा, और इंडिया को जिताने में जो सबसे बड़ा जो रोल रहेगा, सबसे बड़ा जो योगदान होगा रोल रहेगा, वो रहेगा विराट कोहली, और विराट कोहली के बल्ले से आज 50 निकलेगा, तो मेरा मानना है कि आज विराट कोहली को कैप्टन बनाओ, कम से कम 15 टीमों में 10 टीमों में कैप्टन बनाओ विराट कोहली, जो आज आपको मेगा कॉन्टेस्ट जिता सकता है, ठीक है। बाकी स्मॉल लीग भी वन साइड जिता सकता है। आगे चलते हैं हम लोग सूर्यकुमार यादव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पिछले मैच में सूर्यकुमार यादव के बारे में मैंने क्लियरली बोला था कि एवरेज पॉइंट देगा और ये फ्लॉप रहेगा, आज के मैच में क्या फ्लॉप रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे लग रहा है कि आज के मैच में सूर्यकुमार यादव ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके देगा, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ये भी आज के मैच में मुझे लग रहा है एवरेज ही पॉइंट देके जाएगा। एवरेज मतलब कितना देगा, तो मुझे लग रहा है कि 20 से लेके 25 के बीच में रन बनाते हुए दिखाई देगा, मतलब ठीक है, आप टीम में रखोगे तो भी आपको नुकसान नहीं है, नहीं भी रखोगे तो भी नुकसान नहीं है, मतलब एवरेज पॉइंट देके जाएगा, आप रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो। ऋषभ पंत की बात करते हैं, ऋषभ पंत आज के मैच में क्या चलेगा, ऋषभ पंत पिछले मैच में 36 रन का पारी खेला था ऋषभ पंत, आज के मैच में ऋषभ पंत चलेगा नहीं चलेगा ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट में, तो मेरा मानना है कि ऋषभ पंत आज के मैच में उतने खास परफॉर्मेंस नहीं करके देगा, विकेट कीपिंग से भले पॉइंट दे दे, बैटिंग से उतने परफॉर्मेंस नहीं देगा, मतलब 30 मुझे लग रहा है 30 पॉइंट देगा मुश्किल से ऋषभ पंत, ठीक है। विराट कोहली आज बहुत अच्छा खेलेगा। अब बात कर लेते हैं आज के मैच में शिवम दुबे ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, शिवम दुबे ठीक है, ठीक ठाक रहेगा मुझे लग रहा है, अच्छा बैटिंग करेगा आज के मैच में शिवम दुबे लगभग, नहीं तो ये ड्रीम टीम में आज आपको दिखाई देगा, क्यों देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत मजबूत टीम है, इंडिया भी बहुत मजबूत टीम है, तो आज इंडिया का विकेट भी गिरेगा ऑस्ट्रेलिया का भी विकेट गिरेगा, तो मिडिल ऑर्डर में आके शिवम दुबे एक ठीक ठाक बैटिंग करते हुए दिखाई देगा, समझ में आ रहा है। हार्दिक पांड्या आज के मैच के लिए सबसे ज्यादा ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, क्योंकि ये बैटिंग से पॉइंट देके जाएगा, पिछले मैच में विकेट भी लिया था, आज भी ये
बैटिंग से पिछले मैच में 50 लगाए थे हार्दिक पांड्या ने, ठीक है, तो आज के मैच में और 52 का एवरेज रिकॉर्ड है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, इसका रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है, तो मुझे लगा हार्दिक पांड्या बेस्ट ऑप्शन है आज के लिए कैप्टन के लिए। या तो विराट कोहली को कैप्टन बनाओ या तो हार्दिक पांड्या, मैं वैसे हार्दिक पांड्या को कैप्टन, विराट को वाइस कैप्टन बनाया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सेफ साइड में गया हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं विराट कोहली को कैप्टन बना सकता हूँ, तो हार्दिक पांड्या वैसे बेस्ट है क्योंकि बैटिंग कन्फर्म आएगा, बॉलिंग भी कन्फर्म करेगा, तो इसलिए सेफ साइड है क्योंकि इसके पास बॉलिंग ऑप्शन भी है, विराट कोहली के पास क्या है, बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, और इस बार विराट कोहली का फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं जा रहा है, वैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है और वो आज चलेगा, लेकिन फिर भी सेफ साइड में हार्दिक पांड्या बेस्ट है। जडेजा की बात करते हैं, लैपटॉप ऑर्थोडॉक्स बॉलर जडेजा का अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में जब भी खेला है, और ऑस्ट्रेलिया जो टीम है ना वो स्पिनर के खिलाफ बहुत जल्दी विकेट फेंक के जाता है, तो कहीं मुझे लगा कि आज अगर जडेजा 2 से 3 ओवर बॉलिंग करेगा और एक विकेट ये लेके देगा जडेजा, और कुछ रन से भी पॉइंट देके जाएगा, मुझे लगा 15-20 रन भी बनाएगा ये, मतलब ठीक है, ये ड्रीम टीम में आज आपको दिखाई देगा रविंद्र जडेजा, ड्रीम टीम में इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसका रिकॉर्ड भी देखोगे 29 का एवरेज रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में और 8 विकेट लिया, तो अच्छा खासा रिकॉर्ड है, ठीक है। अक्षर पटेल की बात करते हैं, 8 मैच में 14 रन बनाया, आज के मैच में अक्षर पटेल विकेट नहीं ले पाएगा, ये पूरी तरीके से फ्लॉप रहेगा, आप इसको ड्रॉप कर दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फ्लॉप रहेगा अक्षर पटेल, फ्लॉप रहेगा, ठीक है, पूरी तरीके से फ्लॉप रहेगा। अब बात करते हैं जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अजदीप सिंह, मैंने पिछले मैच में क्लियरली बोला था कि दोनों से ज्यादा विकेट कुलदीप यादव लेगा और इसको कैप्टन बनाना, आपने देखा होगा 100 पॉइंट दिया था कुलदीप यादव ने, 3 विकेट लिया था, बाकी ये दोनों ने 2-2 विकेट लिया था, ठीक है, तो कितना अच्छा आपको पॉइंट दिया था, तो इस बात पे दनादन फटाफट एक लाइक ठोको आप लोग, फटाफट एक लाइक करो सब लोग मिलके। अब यहां पे बात कर लेते हैं बुमराह और कुलदीप यादव और हरदीप सिंह, इनमें से आज कौन इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में कभी भी देखोगे बुमराह हमेशा विकेट लिया, हमेशा विकेट लिया और हर मैच में 2-2, 3-3 विकेट ले रहा, तो आज मुझे लगा वो बुमराह उतने विकेट नहीं मिलेगा क्योंकि आज बुमराह संभल के इसको इसके बॉल को खेलेगा, तो मुझे लगा 1 या 2 विकेट लेगा बुमराह, 3 विकेट नहीं लेगा, 1 से या 2 विकेट लेगा। हरदीप सिंह की बात करते हैं, इसका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में बराबर का योगदान है, मतलब 4 मैच में 4 विकेट, आज ये भी मुझे लगा 1 विकेट लेके देगा हरदीप सिंह, 1 से ज़्यादा विकेट नहीं लेगा। कुलदीप यादव की बात करते हैं, 5 मैच में 6 विकेट, मुझे लगा ये 2 विकेट लेके देगा कुलदीप यादव, ये थोड़ा सा ट्रम्प कार्ड आज भी है, आज भी मुझे लगा कुलदीप यादव ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, ठीक है, कुलदीप यादव इसलिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर है क्योंकि लैपटॉप चाइनामैन बॉलर है और सामने में ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारा राइटी है, और कुलदीप यादव जो है ना अभी इस सीजन में विकेट टेकर बॉलर निकल के आया है, और जैसे मैं कल के मैच में क्लियरली बोला था कि आदिल राशिद 2 विकेट पक्का लेके देगा और लिया भी था, उसी तरह कुलदीप यादव ठीक ठाक ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं यूजी चहल, अगर आज खेलता है तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में 6 मैच में 9 विकेट है, बहुत शानदार रिकॉर्ड है, मुझे लगा आज मौका देना चाहिए चहल को, अगर आज मौका नहीं दिया फिर कब देगा मौका, क्योंकि जडेजा विकेट ले नहीं रहा है, तो वहाँ पे कुलदीप चहल को खिलाना चाहिए लेफ्टी बैट्समैन के सामने, चहल थोड़ा सा अच्छा रोल निभा सकता है, अगर चहल खेला ना तो 2 विकेट इसके खाते में लिख लो, जैसे कल के मैच में क्रिस जॉर्डन के बारे में बताया था। उसके बाद यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं, ये हेड टू हेड में 1 मैच खेला था, 0 रन बनाया था लास्ट में। मोहम्मद सिराज की बात करते हैं, 1 मैच में 1 विकेट, राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है, ठीक है, अगर आज खेलता है तो ये विकेट लेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं संजू सैमसन, इसका उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, सबसे पहले नाम आता है डेविड वार्नर, 27 का एवरेज रिकॉर्ड है इस वेन्यू पे, 10 का एवरेज रिकॉर्ड है, आज पूरी तरीके से डेविड वार्नर फ्लॉप रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, आज डेविड वार्नर फ्लॉप है, मतलब अगर रन भी बनाएगा तो मुश्किल से 15 से लेके 20 रन के बीच में ये आउट हो जाएगा। अब कौन चलेगा आज के मैच में, ट्रेविस हेड चलेगा, 29 का एवरेज रिकॉर्ड है, 68 रन इस वेन्यू पे रिकॉर्ड है। ट्रेविस हेड आपने देखा होगा जो फाइनल मैच था वर्ल्ड कप का, फाइनल मैच ODI अभी, वो दुख दर्द तो कोई भूल नहीं पाया इंडिया का, उसमें जो सबसे बड़ा जो ऑस्ट्रेलिया का जीतने का जो सबसे बड़ा हाथ था वो था यही भाई साहब ट्रेविस हेड, आउट ही नहीं हुआ, सेंचुरी लगा दिया भाई साहब ने, तो कहानी कुछ ऐसा ही गुजर रहा है। और इस बार IPL में भी आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा रन SRH टीम ने बनाया है भाई साहब, SRH सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, 10 साल 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 287 रन T20I में किसी ने नहीं बनाया था, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने भाई साहब और हैंडी क्लासन ने मिलकर जो धोया था तो बन गया था 287 रन। तो ट्रेविस हेड को मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ, मैं तो इसको कैप्टन भी बना सकता हूँ आज के मैच में, मुझे लग रहा है आज के मैच में इसको कैप्टन बनाना चाहिए, GL कैप्टन के लिए ट्रम्प कार्ड कैप्टन होगा आज के मैच में, तो ट्रेविस हेड को आज कैप्टन बनाओ और विराट कोहली को वाइस कप्तान, विराट कोहली को कैप्टन बनाओ, ट्रेविस हेड को वाइस कप्तान आज बना के चलना।
मिचेल मार्क्स की बात करते हैं, मिचेल मार्क्स का इंडिया के अगेंस्ट में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन ये बॉलिंग कर लेता है, तो आज मुझे लग रहा है मिचेल मार्क्स आज चलेगा। अगर वन डाउन बैटिंग किया ना तो ये 40 से प्लस पॉइंट देके जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल के, आज चलेगा, 32 का एवरेज रिकॉर्ड है, 21 मैच में 4 विकेट लिया। ये ग्लेन मैक्सवेल कभी भी इंडिया के अगेंस्ट में ज्यादा विकेट लेता नहीं है, और ग्लेन मैक्सवेल इंडिया के अगेंस्ट में ज्यादा चलता भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल अगर पहले बैटिंग करेगा तो ग्लेन मैक्सवेल फ्लॉप रहेगा, अगर सेकंड बैटिंग करेगा तो शायद ये चलेगा, ठीक है, सेकंड बैटिंग में परफॉर्मेंस करके देगा। आगे चलते हैं, मार्कस स्टोनिस इंपॉर्टेंट होगा, 31 का एवरेज रिकॉर्ड है, ये इसको बिल्कुल ड्रॉप मत करना, भले मैक्सवेल को कर दो लेकिन स्टोनिस को ड्रॉप मत करना, ये 40 से प्लस पॉइंट देके जाएगा क्योंकि ये भी बॉलिंग करेगा पूरा। मैक्सवेल को भले आज मैक्सवेल को ओवरकट हो जाएगा लेकिन स्टोनिस आज 2 से 3 ओवर पक्का बॉलिंग करेगा। टीम डेविड की बात करते हैं, ये आज ड्रीम टीम में दिखाई देगा, देख लेना, ये आज खेलेगा और ड्रीम टीम में दिखाई देगा। मैथ्यू वेट की बात करते हैं, इसका 60 का एवरेज रिकॉर्ड है इंडिया के अगेंस्ट, बहुत बढ़िया खेल लेता है लेकिन बैटिंग थोड़ा सा इसका नीचे है अभी फिलहाल, तो इसलिए नीचे है, बस देखना जीएल टीम में ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। ऑस्टन अगर आज बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएगा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों, मुझे लग रहा कि यह आपको आज एक विकेट साथ में कम से कम 15 से 20 रन बनाते हुए दिखाई देगा ऑस्टन, लगा रख लेना टीम में। पैट कमिंग्स की बात करते हैं, ये भी आज आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट देते हुए दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में, कैप्टन भी बना सकते हो अगर आप चाहते हो कोई बॉलिंग डिपार्टमेंट में कैप्टन बनाए तो पैट कमिंग्स को बना सकते हो कैप्टन। एडम जंपा की बात करते हैं, इस बार क्या ही फॉर्म में निकल का आया एडम जंपा, हर मैच में विकेट ले रहा है, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, लेकिन आज एडम जंपा को मुश्किल से एक विकेट मिलेगा, एक से ज़्यादा विकेट नहीं मिलेगा, ठीक है, एडम जंपा, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट में जंपा उतना विकेट लिया नहीं है, 15 मैच में सिर्फ 12 विकेट लिया, तो रिकॉर्ड उतने खास है नहीं जंपा का, भले फॉर्म में है इस बार, बस ये कहानी है। जॉस हेजलवुड अगर आज खेलता है इंडिया के अगेंस्ट में, इसका रिकॉर्ड बेकार है और अभी फॉर्म भी देखोगे तो इसका बहुत ही बेकार चल रहा है, मुझे लगा हो सकता है आज हेजलवुड ना खेले, जैसे मार्कुंड नहीं खेला था ना उसके जगह जॉर्डन खेला, उसी तरह हो सकता है हेजलवुड ना खेले, अगर खेला तो 2 विकेट इसके खाते में लिख लो, जो कि ये रिस्की पिक के लिए इंपॉर्टेंट होगा आज, आज इसको स्मॉल लीग ग्रैन लीग सब में ट्राई कर लेना, 2 विकेट इसके खाते में आएगा, ठीक है। क्योंकि इस अब मैं क्यों बता रहा हूं कि हेजलवुड को आज 2 विकेट मिलेगा, क्योंकि हेजलवुड 4 मैच में 4 विकेट लिया इस वेन्यू पे, इस वेन्यू पे एक्सपीरियंस है हेजलवुड को और इंडिया के अगेंस्ट में इसने विकेट भी लिया है, तो मुझे लगा कि आज हेजलवुड 2 विकेट लेके देगा, ठीक है, जो कि ट्रंप होगा जीएल के लिए, बेस्ट रहेगा। आगे चलते हैं, कैमरॉन ग्रीन, जॉस इंग्लिस और मिचेल स्टार्क खेलेगा आज के मैच में, मुझे लगा, जहां तक लग रहा, मिचेल स्टार्क इंडिया के अगेंस्ट में 4 मैच में 5 विकेट लिया है, इस वेन्यू पे रिकॉर्ड बेकार है, मिचेल स्टार्क 5 मैच में सिर्फ 1 विकेट लिया है, मुझे लगा खेलेगा मिचेल स्टार्क, अगर ये खेला तो 2 विकेट हो सकता है, पहले बॉलिंग करेगा 2 विकेट, सेकंड बॉलिंग में शायद ये 1 विकेट ले, ठीक है। आगे चलते हैं, नाथन लिलिस अगर खेलता है 1 मैच में 1 विकेट, इंडिया के अगेंस्ट में 5 मैच में 7 विकेट, बहुत ज़्यादा ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, खेले तो रख लेना टीम में। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के प्लेयर बैटल के बारे में, सबसे पहले डेविड वार्नर, बुमराह ने आउट किया है 2 बार और कुलदीप यादव ने आउट किया 2 बार, अब बुमराह ने बहुत बुरी तरीके से आउट किया वार्नर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वार्नर का चलना थोड़ा सा आज मुश्किल है। ग्लेन मैक्सवेल को बुमराह ने 2 बार आउट किया है बहुत बुरी तरीके से, तो मैक्सवेल भी आज थोड़ा मुझे रिस्की लग रहा है। रोहित शर्मा को जंपा ने 1 बार आउट किया है 13 बॉल पे 13 रन देके, तो इसलिए रोहित शर्मा भी आज मुझे, मतलब ये 3 जो प्लेयर है ना मुझे आज के मैच में तो फ्लॉप ही दिखाई दे रहा है, फ्लॉप लग रहा है, फ्लॉप डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा, तीनों का सिलेक्शन बहुत हाई है, तीनों मुझे लग रहा फ्लॉप रहेगा। विराट कोहली की बात करते हैं, विराट कोहली को जंपा ने 3 बार आउट किया लेकिन रन दिया दबा के, सूर्यकुमार यादव को जंपा ने आउट किया 1 बार लेकिन रन दिया दबा के, इसलिए लग रहा है ये दोनों ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके देगा। फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आज का मैच इंडिया 60% चांस है इंडिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया का 40% चांस है, तो इसलिए इंडिया के ज़्यादा प्लेयर अपने टीम में लेके चलना। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, विराट कोहली आज 50 रन बनाएगा, कैप्टन आप बना सकते हो आज के मैच में मैक्सिमम 10 से 15 टीमों में, ठीक है। और कौन कौन चाहता है कि इंडिया आज का मैच जीते, अगर चाहते हो तो उस बात पे एक लाइक जरूर करना, जो चाहते हो लाइक करना, जो चाहते हो नहीं जीते वो लाइक मत करना, लेकिन जो चाहते हो इंडिया जीते तो लाइक करना, मैं चाहता हूँ जीतूंगा तो मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाना, फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है जहाँ पे आपको मिलेगा फाइनल टीम, तो फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके जुड़ जाना। बाकी रोहित शर्मा आज के मैच में एवरेज पॉइंट देके जाएगा, सूर्यकुमार यादव 40 से प्लस पॉइंट देके जाएगा, हार्दिक पांड्या बैटिंग और बॉलिंग दोनों से 40 से प्लस पॉइंट देके जाएगा, आप कैप्टन बना सकते हो हार्दिक पांड्या को। जसप्रीत बुमराह आज के मैच में 1 से 2 विकेट लेके देगा, ठीक है। अर्शदीप सिंह आज के मैच में मुझे लगा कि 2 विकेट लेके देगा,
जहाँ तक एक विकेट आप इसको लिख लो, एक विकेट मुझे लग रहा है, ज़्यादा नहीं, दो विकेट नहीं लग रहा, एक विकेट लग रहा है, एक विकेट लेके देगा, ठीक है। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, ये तीनों मिला के चार विकेट लेके देगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक कि कुलदीप यादव का थोड़ा सा ज़्यादा रोल रहेगा। ऋषभ पंत आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा, 40 के आसपास मुझे लग रहा है पॉइंट देके जाएगा बस। ट्रेविस हेड आज के मैच में इंपॉर्टेंट होगा, 40 से प्लस पॉइंट देके जाएगा। आप ट्रेविस हेड को आज कैप्टन भी बनाना, ठीक है, कुछ टीमों में। डेविड वॉर्नर आज के मैच में मुझे लग रहा है कि फ्लॉप रहेगा, एवरेज पॉइंट देके जाएगा, रिस्क ले सकते हो आप इस पे, रिस्क ले सकते हो, डेविड वार्नर पे रिस्क ले सकते हो, आज मुझे लग रहा है एवरेज पॉइंट देके जाएगा, मतलब फॉलोअप। मिचेल मार्क्स आज रिस्की प्लेयर है, लेकिन बेस्ट मुझे लग रहा पिक होगा, 40 से प्लस पॉइंट देके जाएगा मिचेल मार्क्स, कोई नहीं रख रहा है रख लेना। ग्लेन मैक्सवेल आज मुझे लग रहा है एवरेज पॉइंट देके जाएगा 30 के आसपास, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल। जॉस हेजलवुड आज दो विकेट लेके देगा, जिनका 10% सिलेक्शन है। पैट कमिंस आज आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से मिला के 50 से प्लस पॉइंट देके जाएगा। मिचेल स्टार्क अगर आज खेला तो दो विकेट ये लेके देगा कंफर्म, और स्टोनिस खेला तो 30 से प्लस पॉइंट देके जाएगा। मेरा टीम देख लो, मजा आ जाएगा टीम देख के, दिख रहा आपको टीम। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग सेक्शन में, देखो मैं टीम क्या किस लिए बनाया हूँ, कैसा कॉम्बिनेशन सेट किया हूँ, ये मैं पूरे एकदम डिटेल से समझाऊंगा आपको, पूरे डिटेल से। सबसे पहले वार्नर के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रेविस हेड। देखो मैंने वार्नर को रखा क्योंकि बैटिंग पिच है, लेकिन जहां तक मैं वार्नर को तब रखूंगा जब पहले बैटिंग करेगा। आज वार्नर पे मैं रिस्क ले सकता हूं, वार्नर पे, ठीक है। वार्नर की जगह किसको रखूंगा वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। लेकिन इस बात पे आपको सबसे पहले बताता हूं, अगर आप चाहते हो कि इंडिया आज का मैच जीते और वर्ल्ड कप भी जीते, तो उस बात पे एक लाइक आप लोग जरूर करना, और जो चाहते हो कि नहीं जीते वो लाइक मत करना, बाकी अगर चाहते हो जीते तो लाइक कर देना। और टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, @kumar5jotfc सर्च करोगे आपको 4 लाख के आसपास टेलीग्राम चैनल दिखा देगा, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि विराट कोहली को मैंने वाइस कप्तान बनाया है, सूर्यकुमार यादव को रखा हूँ, यहाँ पे मैं रोहित शर्मा को फ्लॉप कराऊँ, हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया हूँ, ठीक है, और बुमराह, पैट कमिंस, जंपा और स्टोनिस और मैक्सवेल। देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वार्नर को आज फ्लॉप कर दूँ, वार्नर के जगह यहाँ पे मैं अजदीप सिंह या तो कुलदीप यादव को ले लूँ, ठीक है। यहाँ पे कुलदीप यादव मुझे लग रहा है बेटर ऑप्शन है, कुलदीप यादव वार्नर के जगह, मैं चलो वार्नर के जगह मैं कुलदीप यादव को रख लेता हूँ, ठीक है। बाकी कैप्टन हार्दिक पांड्या, वाइस कप्तान विराट कोहली, ठीक है, ये है। हो सकता है कि आप विराट कोहली को कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि आज मैं बोल रहा हूँ विराट कोहली 50 से प्लस रन बनाएगा और मैं 15 टीमों में इसको कैप्टन बनाने वाला हूँ। अगर ग्रैंड लीग टीम बनाना है ना, तो आज विराट को कैप्टन बनाओ, वार्नर को भी हटा दो और ग्लेन मैक्सवेल को भी हटा दो आज, ठीक है, और इंडिया के बॉलर रख लो कुलदीप यादव और अजदीप सिंह, शायद आप ग्रैंड लीग जीत भी सकते हो आज के मैच में, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, और इंडिया के लिए भी एक लाइक जरूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं स्टूडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।